नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अगर आप कभी दिल्ली के इंडिया गेट जाओगे तो जब आप अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर देखने को अब आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, करीब 50 सालों से इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति को पास ही बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जल रही ज्योति में विलय कर दिया गया है, जिसको लेकर सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। कांग्रेस ने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं, वहीं साथ ही साथ बीजेपी पर शहीदों के अपमान का कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया, तो केंद्र की ओर से भी सफाई दी गई है। केंद्र सरकार का यह कहना है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया, बल्कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्वाला में विलीन किया गया है। तो ये दो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आप इसको लेकर के अब सियासत होने लगी है। दरअसल अमर जवान ज्योति से ये जोत जलाई गई है, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में अब इसका विलय कर दिया गया है। लेकिन 50 साल बाद ये जगह में जो परिवर्तन होता है, इसके पीछे हालांकि कुछ ठोस कारण होना बड़ा जरूरी है, और इसी को लेकर के अब विपक्षी खेमा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा है, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रही है। तो सवाल यह है कि अमर जवान ज्योति को लेकर के जो जगह बदली गई है, आखिर इसके लिए क्यों ऐसा कदम उठाया गया? अमर जवान ज्योति के विलय पर सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की क्या राय है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। अब तक हम अमर जवान ज्योति पे श्रद्धांजलि अर्पित करते थे जितने भी हमारे फॉरेन हीरोज हैं। अब चूंकि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का मेमोरियल है, और अब पिछले 3 साल से सारे फंक्शन, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो फॉरेन डिग्निटरीज हों, अब जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं फॉलन हीरोज़ को, तो वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा कि डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी है, जो कि ठीक भी है, नेशनल वॉर मेमोरियल इज़ द राइट प्लेस। और अब जो वहाँ की जो फ्लेम है अमर जवान ज्योति की, उसको एक मर्ज किया जा रहा है, यानी कि अब से एक किस्म से वो होगा कि हर एक के लिए ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी गई है। तो मेरी तरफ से, मेरी समझ से ये एक बहुत बिफिटिंग चीज़ है, यही हम चाहते थे। जब मैंने नेशनल वॉर मेमोरियल की कंस्ट्रक्शन मैंने करवाई है एज चीफ ऑफ IDS, और उस दौरान जितनी डिस्कशंस हुई, बात आपस में डिसीजंस हुए, ये बिल्कुल एक बिफिटिंग और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। कि दोनों फ्लेम्स की अगर लोकेशन आप देखो, एक फ्लेम है जहाँ पे हमारे भारतीय सेना के जवानों जिन्होंने जान गंवाई, उनके नाम लिखे हुए हैं, यूनिट्स और उनके इतिहास लिखे हुए हैं, हर एक चीज़ लिखी हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे हाथों से वो बना है। और एक अंग्रेज़ों ने अपने आप में वो बात है कि वो एक ऑक्यूपेशनल फोर्स थी हमारे, हम उनके गुलाम थे, तो उनकी जो एक मॉन्यूमेंट के नीचे एक हरिडली ये डिसीजन लिया गया था, और ये कोई डिटेल डिसीजन नहीं था, क्योंकि 1971 वॉर तो ख़त्म हुई दिसंबर में 1971, और जनवरी की 26 जनवरी 1972 में जब कहीं तो ऑनर करना था, तो एक बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया गया, उनको और कोई जगह मिली नहीं, तो उन्होंने इसके नीचे, क्योंकि बाकी पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे आर्चेस बने हैं अपनी फोर्सेस को ऑनर करने के लिए, तो ये एक मिलता जुलता मॉन्यूमेंट था, उन्होंने वहाँ पे लगा दिया। तो मेरा ख्याल कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इनफैक्ट आप दो दो या तीन तीन जगह पे ऐसे रीथलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पे जहाँ पे भारतीय सेना के सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, आई थिंक दैट इज़ द ओनली प्लेस विच डिजर्व्स ऑल द अटेंशन एंड रिस्पेक्ट फॉर रीथलिंग। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर शहीदों के अपमान का आरोप लगाते हुए ट्वीट भी किया है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के हमलावर है, और साथ ही इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से जो ट्वीट किया गया, जरा वो भी आप देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि हमारे जो वीर जवान हैं, वीर जवानों के द्वारा जो साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ लड़ा जाता है, हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया गया है। ये यहाँ पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के द्वारा कहा जाता है कि हमारी जो शहीदों के लिए अमर ज्योति जलती थी, उसे आज बुझा दिया जाएगा, और कुछ लोग देश प्रेम और बलिदान नहीं समझ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं तंज कसा गया और सरकार के ऊपर सवाल भी उठाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए
अमर जवान ज्योति जो कि जिसको बुझा दिया जाएगा, इसका जिक्र जो राहुल गांधी कर रहे हैं, अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। और चलिए इस विषय पर आखिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं और खास करके यहां पर प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पर क्या कहा गया है जरा वो आप देखिए। जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जब मना रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और यहां पर उनके द्वारा जिक्र करते हुए कहा गया कि जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी जो भव्य प्रतिमा है, यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इन सभी चीजों का जिक्र किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी और ये प्रयास उनके लिए भारत के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए वो कृतज्ञता का एक प्रतीक के तौर पर भी होगा। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पर अपनी बात रखी गई और ये ट्वीट दरअसल उनके द्वारा किया गया। तो यहां इस विषय को लेकर के अब लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, कांग्रेस पार्टी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है। तो यहां पर कई चीजें हैं जो कि नजर आ रही हैं और साथ ही साथ यहां पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि वाकई में कि अमर जवान ज्योति को क्या असल मायने में बुझा दिया गया, या फिर कुछ ऐसे लोगों का जो सामने आकर के कहना है, सेना से जुड़े लोगों का, एक्सपर्ट्स का जो मानना है कि इसको मर्ज किया गया है, तो क्या असल मायने में मर्ज किया गया है? ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि सवाल के तौर पर उठ रही हैं। जरा सवाल आपके सामने दिखाते हैं। सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अमर जवान ज्योति के विलय पर आखिर हंगामा क्यों हो रहा है, आखिर इस पर हंगामा क्यों किया जा रहा है, कारण इसके पीछे क्या है, जरा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए, नेशनल वॉर मेमोरियल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और साथ ही साथ मेमोरियल में शहीद हुए 26,000 सैनिकों के इस पर नाम भी अंकित हैं, इस पर नाम भी शामिल किए गए हैं। वहीं अमर चक्र पर 15.5 फीट ऊंचा जो स्तंभ है और साथ ही वीरता चक्र में 6 बड़े युद्धों के बारे में इसमें जानकारी दी गई। हर शाम सैन्य बैंड के साथ शहीदों को सलामी दी जाती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है। वहीं स्मारक बनाने में करीब 176 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं नेशनल वॉर मेमोरियल की जो खासियत है जरा वो भी आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं वो आप देख रहे हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संतपाल जी बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर अजीत आप्टे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजीत जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रकाश खोकाले हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वंदना जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और वंदना जी सबसे पहले मैं इसमें एक रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के तौर पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। सवाल इसमें कई उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की तरफ से भी इस पर सवाल उठा दिया गया कि आपने अमर जवान ज्योति को बुझा दिया है, ये इस तरीके के स्टेटमेंट दे करके ये आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है और सरकार के ऊपर सीधे सीधे कटाक्ष है, इस पर जवाब क्या है आपके पास? देखिए शुभेंदु, सीधी सीधी सी बात है, आपके जो स्क्रीन है उसमें भी पिक्चर दिखाई जा रही थी और सुबह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमर जवान ज्योति से ज्योति को विलय करके जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है वहां पर उस ज्योति का विलय कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोई ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है। आप अभी अब बात कर रहे थे कि जहाँ पर इंडिया गेट होता था अमर जवान ज्योति होती थी, अब वहां पर नहीं दिखाई देगी, तो हम भी बचपन से जब भी देखते थे इंडिया गेट में कि यहाँ पर क्या कौन सी ज्योति जल रही है, तो कहते थे अमर जवान ज्योति जल रही है। किसके लिए जल रही है? हमारे शहीदों के याद में जल रही है, हमारे उन फौजियों ने जिन्होंने अपनी अंतिम शहादत दी थी उनके लिए यहाँ पर ज्योति जल रही है। और जब पूछा जाता था ये कौन सी ऐसी इमारत है, कौन सी ऐसी बिल्डिंग है उसमें जिसके नीचे ज्योति जलाई गई है, तो ये बोला जाता था ये इंडिया गेट है जो अंग्रेजों ने बनवाया है। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं पूरे वर्ड्स आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, ऑन द मेमोरी ऑफ दोज हु लेड देयर लाइफ फॉर द ब्रिटिश क्राउन, जिन्होंने ब्रिटिश क्राउन के लिए अपनी जान दी उनकी मेमोरी में जो इंडिया गेट है वो बनाया गया, उसके नीचे अमर ज्योति अमर जवान ज्योति जल रही है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही स्थान था
आज तक इतने सालों तक हमें कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं मिला था, 2019 में हमें नेशनल वॉर मेमोरियल मिला और अब अमर जवान ज्योति को वहीं पर जलना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जान सके कि 1947 से लेकर गलवान तक जितने भी शहीद हुए थे उन सबके नाम स्वर्ण अक्षरों में वहां पर लिखे हुए हैं, तो वो जब भी जाए तो ये जान सके कि ये ज्योति उनके लिए जल रही है जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए है, ना कि उनके लिए जो कि ब्रिटिश क्राउन के लिए जिन्होंने प्राण दिए। तो अंग्रेजों की छतरी के नीचे अमर जवान ज्योति नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से नकारती हूँ जो राहुल गांधी कह रहे थे कि ज्योति को बुझा दिया गया है, बुझाया नहीं गया है, उसको जलते हुए रूप में ले जाकर विलय कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में। मैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को आत्मघाती दस्ता बुलाने में भी गुरेज नहीं करूंगी कि बार बार अपने ऊपर अटैक कराते हैं, पूरे देश की जनता इस समय देख रही है और कोस रही है कि ऐसे नेता को ही आगे लेकर चलते हैं जो अपने पर ही अटैक कराते हैं, याद दिलवाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार अभी आपकी रिपोर्ट में भी हम सुन रहे थे पन्नू जी क्या कह रहे थे कि इसको शॉर्ट टाइम के लिए इमरजेंसी में जब कुछ नहीं दिखाई दिया तो वहां पर उसको स्थापित कर दिया गया। तो इतने सालों में नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों नहीं था या ऐसी और कोई हमारे पास पहचान क्यों नहीं थी जो हम अपने शहीदों को जहां पर याद कर सके। तो राहुल गांधी बार बार याद दिलाते अपनी गलतियों को और वो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने विरोध करना है तो एक और विरोध इन्होंने किया, लेकिन इनकी अपनी कहीं ना कहीं कलाई खुलती दिख रही है। मुझे सिर्फ इतना बता दे तर्क के साथ कि इसमें गलत क्या है, उसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये कहते बुझा दिया गया, बुझा कहाँ दिया गया, अमर जवान ज्योति तो अभी भी जल रही है, सबने देखा उसको विलय किया गया। तो राजनीति करना मुझे लगता है ये विषय राजनीति का नहीं है, हमारे शहीदों के सम्मान का विषय है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ठीक है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसी बात के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, प्रकाश जी को मैं जरा जोड़ रहा हूँ इसमें। प्रकाश सर, जरा इस पर हम एक जरा फोकस कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों की देन है उसके नीचे अगर हम अमर जवान ज्योति का अगर जिक्र होता है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी इस बात को एक बार फिर से दोहरा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ऐसी हमने एक अलग से इंडिपेंडेंट जगह अगर हमने वॉर मेमोरियल के तौर पर अगर हमने वहां पर तैयार की है तो क्यों ना वहां पर हमने इस ज्योति को ना तो बुझाया, क्योंकि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं गया है बल्कि इसका विलय हुआ है, इसको मर्ज कर दिया गया है। तो इसमें आपको लगता है कि विशुद्ध रूप से इसमें राजनीति सिर्फ हो रही है? आपको मेरे को पूछ रहे हैं? जी सर, प्रकाश जी। ओके, ये मेरे ख्याल से तो बेहतर निर्णय है। पहली बार जब जनवरी 72 में ये जो इटरनल फ्लेम के ऊपर जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया था वो मेरे पलटन ने दिया था, मेजर चौधरी साहब थे, और वो पहले बार हुआ था। और अभी भी आज भी जो ऑनर मिला है वो भी मेरे रेजिमेंट को मिला है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को, जिन्होंने इसको फ्लेम को मर्ज किया है। मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे जवानों के नाम उधर है, मेरे साथी जो थे 68 साथी उनके नाम वहां पर है, मेरे लड़ाई का जिक्र है वहां वॉर मेमोरियल में। और ये जो निर्णय है वो बहुत बहुत बेहतर है, और इससे कोई गौरव या ऑनर ग्लोरी कोई कम नहीं होती। ये बंद तो नहीं किया है, इसको सिर्फ विलीन किया है या मर्ज किया है। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ऐतिहासिक मौका है कि और सभी देशवासियों को का कर्तव्य है कि इस बलिदानियों को जाकर वॉर मेमोरियल पर नमन करना। ठीक है, मैं जरा इसमें अजीत आप्टे जी आपको भी जोड़ रहा हूँ। एक बड़ा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1971 के वक्त में जब आनन फानन में सभी चीजें हुई, हाँ ठीक है, मैं जरा ठीक है सर, ठीक है मैं वापस लौटता हूँ सर आपके पास। लेकिन अजीत आप्टे जी, ये कहा जाता है कि 1971-72 के समय में बहुत जल्दबाजी के अंदर ये सब कुछ किया गया, और इसीलिए ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया उस वक्त का ये फैसला था जिसको बदल दिया गया है। और नेशनल वॉर मेमोरियल, जब भारतीय पहचान अगर कोई तैयार की जाती है तो इसलिए ना सिर्फ अमर जवान ज्योति आपको वहां पर नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर वहां पर मर्ज किया जाता है, तो ये एक अच्छे संकेत है। यहाँ पर पैनलिस्ट भी ये बात मान रहे हैं। किसी से आवाज चली जाएगी ना? हाँ जी, अजीत जी अपनी बात रखिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जैसे ब्रिगेडियर प्रकाश गोगले ने बोला है जी, सही बात, हम भी 71 की लड़ाई में थे बांग्लादेश में, और तुरंत लड़ाई के बाद काफी फोर्सेस डिप्लॉय हुए वेस्टर्न सेक्टर में,
और जैसे ब्रिगेडियर घोगरे ने बोला है उनकी पर्सन को ये सम्मान दिया था कि वो इसको स्थापित करें उधर, जैसे आज तक था उधर 72 के जनवरी में उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने ये निर्णय लिया था, निर्णय लिया था जबकि तीनों सेना के मुख्य जैसे जनरल मानेकशॉ और नेवी और एयरफोर्स के चीफ के साथ उन्होंने बातचीत करके इसको स्थापित किया उधर जहां ये इंडिया गेट पे थे, और इसको सिर्फ इसका लोकेशन बदल दिया है, इसको मर्ज किया है, इसका संगम हो गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे भी पलटन में हमारे साथ काफी लोग मारे गए 71 की लड़ाई में, मेरा खुद भाई वेस्टर्न सेक्टर में, उसका भी नाम है, हमारी पलटन के शहीद लोगों के नाम है, वो क्या नाम है वो लगाएंगे, वो क्या बोलते हैं, मर्ज कर दिया है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं समझता हूँ। और हर एक मुल्क में आप जहाँ पे भी जाइए बहुत आदर के साथ उनका नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है, तो हिंदुस्तान या भारत को बहुत देर हो गई है। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये 2019 में, मतलब आप देखिए 72 साल लगे हिंदुस्तान के फौज को प्रणाम करने के लिए। वो ये सही बात है जो आज हुआ है, इसके हम बिल्कुल सम्मानित हैं, आई एग्री विद दिस, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इसमें संतपाल जी को भी जोड़ रहा हूँ जरा। संतपाल राघव जी, सर मेरा सवाल आपसे यह है कि लोगों की तरफ से, क्योंकि इसमें आप जो विपक्षी खेमा है, सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत पहले से अमर जवान ज्योति को देखा, इंडिया गेट को हम देखते आ रहे हैं, तो वो जो लोगों के जहन में एक तस्वीर जो बन जाती है, उस तस्वीर को अचानक से बदलाव अगर हम उसमें देखते हैं तो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप इसको देख रहे हैं कि ये वाकई में उस लिहाज से अगर सोच करके देखा जा रहा है इसलिए विरोध है, या कुछ और इसमें आपको नजर आता है? जी देखिए, आज बड़ा गर्व और गौरव का दिन है कि आज जो अखंड ज्योति इंडिया गेट से वॉर मेमोरियल में विलय की गई है, आप देखेंगे 47-48 ऑपरेशंस के बाद जितने भी हमारे जवानों ने, जेसीओज ने, इवन जी, चलिए मैं वापस लौटता हूं संत, ठीक है संतपाल जी, मैं जरा वापस लौटता हूं आपके पास, मैं जरा इसमें वंदना पुपली जी को जोड़ रहा हूं। वंदना जी, हाँ, और वहां से नाम कौन सी गैलरी में है वो मिल जाता है। हाँ, और जब भी कोई भी वीआईपी वीवीआईपी बाहर देश के डिग्निटीज आते हैं तो वहां पे पूरा जो है उनको सम्मान दिया जाता है, और हमारे इंडिया के अंदर भी जो वॉर मेमोरियल के अंदर उनको पूर्ण गर्व और गौरव से याद किया जाता है। तो ये एक विलय है, नंबर एक। नंबर दो, वहां जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड अफगान वॉर के जो शहीद थे जिनकी संख्या 90,000 थी, ये 1921 में जिसकी नींव रखी गई थी, जो इंडिया गेट बना है, लॉर्ड इरविन साहब ने उसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। लेकिन आप ये देखें जो भारत वर्ष की रक्षा जिन्होंने की है अपने बॉर्डर्स की, जो 47-48 के बाद उनके नाम वहां पे कहीं अंकित नहीं थे। श्रीमती गांधी जी ने जो 1972-26 जनवरी को अमर जवान ज्योति स्थापित की थी, ये एक बहुत ही अच्छा, देश के वीरों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन था। लेकिन ये आज उससे भी बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सारे वीरों का जो है वहां पे जो है हमें पूरा गर्व और गौरव महसूस हो रहा है, और ये बड़ा एक विशेष दिन है। और जो मैं इससे लिंक करूं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बोला है सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू का जो वहां पे कैनोपी है जी, आप ये देखें इंडिया की जो आजादी है, INA का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, वो अनसंग हीरो है, 26,000
दिल्ली चलो के नारों में शहादत दी और उनकी मोटिवेशन का आप ये देखिए कि ना उनके पास में आर्टिलरी थी ना एयर पावर थी उनके मुकाबले में, ना उनके पास टैंक थे, जबकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी दिल्ली चलो में जो बर्मा बॉर्डर के थ्रू जो लड़ी वो आप कितना बड़ा चैलेंज था और उनके कमांडरों ने और उन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया। ये भी आज के दिन में मैं इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि INA को भी सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से आज उनको वहां से सम्मान मिल रहा है। तो ये आज हमको एक गर्व और गौरव का दिन है और शहीदों के लिए हम बहुत सम्मान का दिन है। ठीक है, ठीक है सर। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बालमुकुंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप उस पैनल के अंदर सभी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कहीं से कहीं तक भी कोई गलत कदम नहीं है। आप जो राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया जाएगा या बुझा दिया गया, इससे बड़ा नुकसान, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर क्यों कहा जा रहा है ये? कांग्रेस पार्टी अब इस पर क्या कह रही है? सच को सच तो कहना ही पड़ेगा ना सर। सच को ही सच, अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है, ये सच है। सत्य 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 चरितार्थ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पूरा प्रदेश सुन रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नुमाइंदे भी बैठे हैं, हमारे सैनिक भी बैठे हैं जिन्होंने बड़ा योगदान दिया इस देश की आजादी में। आप ये सोच के चलिए कि आप दूसरी जोत जला सकते थे, आप 10 जोत जला सकते हैं, आप इंडिया गेट बॉम्बे में वहां भी एक जोत जला सकते हैं, आप तमिलनाडु में भी जोत जला सकते हैं, इस दिल्ली में ही 4 जोत जला सकते हैं। आप केवल ये सोच करके, ये किन के हाथों से प्रज्वलित हुई थी, इनको स्थापित किसने किया था, केवल एक निशानी मिटाने के लिए आप देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान और शहीदों का अपमान। ये पूरा देश इनको देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पूरे विश्व में इस तरीके की कभी घटना नहीं आपने सुनी होगी कि समायोजित किया गया है। वो तो उसको तो बुझा दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ये तो एक जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, एक संसारिक सत्य है, उसको बुझा दिया गया। आज बहुत दुख के साथ और बहुत खेद के साथ आज हमें ये बताना पड़ रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया इस देश में। पता नहीं किस तरह के हुक्मरान फैसला कर रहे हैं। केवल एक ईगो भावना, केवल एक ऐसी भावना जो नफरत फैलाने वाली भावना है। वो जो दूसरी जगह थी वहां भी जो जगा सकते थे, उनका योगदान भी है देश में, उनका योगदान भी है। समायोजित करने वाले हमें कुछ समझ में नहीं आया। बाकी मीडिया में जिस तरह के वर्णन सुन रहे हैं हम दिन में, तो मीडिया का एक जी हाँ बताइए सर, बात पूरी कीजिए। मीडिया का एक वर्ग इसको सच्चाई साबित करने पर तुला हुआ है, मीडिया का एक वर्ग। जबकि जो विचारधारा ये है, अमर जवान ज्योति का कितना लंबा उसका वो रहा है। और हमारे जो इन जवानों ने देश की आजादी से पहले भी जिन्होंने जंग आजादी में योगदान दिया, उनसे लेकर के आज तक जितने हमारे शहीद हुए उनको समर्पित है और अमर जवान ज्योति, इसको भी राजनीति का मुद्दा। सर यहाँ पर जो पैनलिस्ट बैठे हैं ना सर, बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ, रिटायर्ड कर्नल भी हैं, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ, इन सभी का ये कहना है कि 1921 का इसमें घटनाक्रम है, उस वक्त के इसमें जिन लोगों की शहादत होती है उनका जिक्र है, 47 में जो लोग शहीद हुए जिन्होंने भारत की आजादी में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, क्या उनके नाम है इसमें? मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, कल का टाइम और डिबेट पर रख लें आप। मैं अपने नाम भेजूंगा आपको, कर्नल ब्रिगेडियर, इस देश के जो जिन्होंने बांग्लादेश को अलग किया है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, जिन्होंने 1965 की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी है, कर्नल और ब्रिगेडियर के मैं नाम दूंगा, वो आपको सारा वर्णन बता पाएंगे। मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन चलिए ठीक है। अब जो हमारे साथ पैनलिस्ट जो बैठे हैं वो ना, रिटायर्ड कर्नल भी है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसमें जरा ठीक है, वंदरा जी को जरा जोड़ लेता हूं मैं, ठीक है वंदरा जी को पूछना चाहता हूं। हाँ। मैं ये पूछना, इसमें क्या आपत्ति थी? अगर दोनों जगह ज्योति जली जाए तो उसमें क्या आपत्ति थी? हाँ। अगर दोनों जगह ज्योत जलती रहती उसमें क्या आपत्ति थी, ये मैं पूछना चाहता हूँ हमारे सैनिकों से। अगर अमर जवान ज्योति भी जलती रहती और दूसरी भी ज्योत जगा देते, उसमें क्या आपत्ति थी, वो भी हमें बता दे जरा। चलिए ठीक है, मैं जरा इस पर एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं अजीत आप्टे जी, मैं जरा इसमें आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी का कहना है कि इसमें आपने जो एक अमर जवान ज्योति को जो आपने बुझा दिया, आप 2 जला लेते ज्योत, क्या ये सही है, क्या ये संभव है?
जी ऐसा है कि अमर जवान ज्योति जो एक है इसको मर्ज किया है, दो लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्थापित किया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सिर्फ 500 मीटर की दूरी है, और जो पहले अमर जवान ज्योति जो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के इंदिरा गांधी जी ने जो स्थापित की थी उसी को रीलोकेट किया है, इसमें कोई अपमान की बात नहीं है। और यही दर्द था इंदिरा जी ने लोकेट की थी, यही दर्द था सरकार को, वो बस उसी दर्द के लिए शहीदों का अपमान कर दिया। नेशनल वॉर मेमोरियल जो नया स्थापित किया है बहुत इज्जत के साथ किया है, इसमें सबके नाम है, जैसे कि कर्नल संतपाल राघव जी ने बताया था, ये सबके नाम है, 26,000 हमारे भी लोग शहीद हुए हैं मेरे फैमिली से, दूसरे महायुद्ध में भी, 1971 में भी मेरा भाई मारा गया है वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, मैंने खुद लड़ाई लड़ी है 71 में, मेरे पिताजी ने लड़ाई लड़ी है सेकंड वर्ल्ड वॉर 1962 47 65 71 में वो रिटायर हुए थे। तो हमारी 3 जनरेशन है फौज की, हमारी अगर आपने पूरी ये मिलाप कर दिया तो हमारे फैमिली ने 90 साल दिए हैं यूनिफॉर्म में इस देश के लिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ। जो यह काम किया है इसको हमें आदर से एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, बड़े आसानी से एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके बाद विरोध हो रहा है। मैं जरा वंदना जी को इसमें जरा जोड़ लेता हूँ। वंदना पोपली जी, ये इसमें विशुद्ध रूप से सिर्फ सियासत है क्या? सियासत तो है, लेकिन सब कांग्रेस की तरफ से। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बात कर रहे थे, हालांकि बाल मुकुंद जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, पर पता नहीं आज दिल पर हाथ रखकर बात नहीं कह पा रहे। उन्होंने कहा कि अमर जवान ज्योति इंदिरा गांधी जी की निशानी थी। मुझे लगता है हम जब भी बात करते हैं अमर जवान ज्योति की तो हम शहीदों की बात करते हैं। जब हम इंडिया गेट पे जाते थे, बच्चों को दिखाते थे, खुद देखते थे तो बोलते थे ये उन शहीदों की निशानी है जिन्होंने अपना अंतिम बलिदान देश के लिए दिया है। इंदिरा गांधी जी के बारे में तो कोई चर्चा नहीं होती थी वहां पर, वहां लिखा भी नहीं हुआ उनका नाम। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी की निशानी थी और उसको मिटा दिया गया? ना मिटाने की यहाँ पर बात है, आप देख भी पा रहे होंगे सुबह से, बाल मुकुंद जी ने भी देखा होगा किस तरह से उसको जलते स्वरूप में एक जगह से दूसरी जगह लेकर लाया गया था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जल्दबाजी में जहां पर वो जलाई गई थी, जिस छतरी के नीचे, जिस इंडिया गेट के नीचे वो जलाई गई थी, वो इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? बाल मुकुंद जी आपसे पूछना चाहूंगी मैं, वो बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में जो हम सैनिक शहीद हुए थे, और साथ में जो एंग्लो अफगान युद्ध में जो शहीद हुए थे सैनिक उनके लिए, और वो किसके लिए? ब्रिटिश क्राउन के लिए जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया था। तो एक खुली जगह पर हमारे शहीदों की ज्योति जो है वो जलनी चाहिए थी, कोई औपनिवेशिक अतीत का हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी, हमारे इंपीरियल जो हमारे हिस्ट्री रही है उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए था। क्या ये जरूरी है कि किंग जॉर्ज की याद के तले में हमारे शहीदों की ज्योति है वो जलाई जाए? हमारे शहीदों की याद के नाम जो है उनके एक एक नाम वहां पर हमारे वॉर मेमोरियल में लिखे हुए हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं, वहीं पर ज्योति है, लोग जाएंगे गर्व महसूस करेंगे। मेरा एक प्रश्न है बाल मुकुंद जी से, वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल अभी तक क्यों नहीं बनाया गया था? उसका जवाब ये मुझे जरूर दे। और ये जो जल्दबाजी में जो ज्योत जलाई गई थी उसके लिए उस समय सबने मना किया था कि यहाँ पर इस ज्योत को नहीं जलाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको ज्योत को वहां पर जलाया गया था, उसका जवाब मुझे दे। और ऐसा क्यों हुआ कि अंग्रेजों के स्मृति स्थल पर हमारे शहीदों के लिए अमर जवान ज्योति जलाई गई, उसका जवाब भी जरूर। ठीक है, मैं जरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं प्रकाश गोखले जी को भी जरा कार्यक्रम में जोड़ रहा हूँ। सर, मैं आपसे जरा ये समझना चाह रहा हूँ कि आप इंडिया गेट को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं जिसका जिक्र भी वंदना पोपली जी कर रहे हैं, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा तफ्तीश से बताइए कुछ दर्शकों को भी उस बारे में, क्योंकि बहुत हद तक आपने चीज़ों को देखा है और आपने इससे पहले भी जिक्र किया था। बाल मुकुंद जी तब तक जुड़ नहीं पाए थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप बताएं। मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ। मेरी पलटन ने सबसे जबरदस्त लड़ी हुई है 71 की बैटल ऑफ हिली, और उसका वर्णन भी है वॉर मेमोरियल में, और मेरे साथ जो लड़े थे उनके 68 लोगों के नाम भी है वहां पर। और हाँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरी पलटन ने पहली बार उसको फ्लेम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, तो मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर आप्टे से सहमत हूँ कि ये जो है विलीन हुआ है, बुझाया नहीं गया है, और इसलिए ये बहुत बेहतर स्टेप है। और कोई वजह नहीं कि
इस तरह से पॉलिटिसाइज किया जाए, ये सिर्फ शिफ्ट किया गया है और दो फ्लेम इतने नजदीक नहीं हो सकते। दो फ्लेम नजदीक रखने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। इसको विलीन किया गया, मैं खुद आया था अभी स्वर्णिम विजय दिवस पर, मुझे बुलाया गया था क्योंकि मैंने भी एकत्र लड़ाई में बैटल ऑफ हिली में था, तो मैंने भी जाकर वहां पर वॉर मेमोरियल पर जाकर पूरे मेरे जो साथी थे उनको नमन किया और मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल बेहतर स्टेप है। थैंक यू। ठीक है, तो दो ज्योति का कोई आप औचित्य नजर नहीं आता है। बालमुकुंद शर्मा जी, यहाँ पर जो आप कह रहे थे मुझे लगता है प्रकाश गोखले जी ने उसका जवाब दिया है, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा एक रिएक्शन और ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी दिखाना चाह रहे हैं, ये बताने की हम, क्योंकि ये समझने की कोशिश है कि आखिर असल मायने में जब इसको लेकर के मर्ज करने की बात की जा रही है, तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी जब इसका विरोध कर रही है तो ये कितना जायज़ है, कितना सही है। संतपाल राघव जी को जरा मैं इसमें जोड़ लेता हूँ। संतपाल राघव जी, एक तरफ इसको मर्ज करने की बातें हैं, इस पर सभी लोगों की तरफ से ये एक तरफ से ही कहा जा रहा है कि इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, इसमें विरोध भी नहीं उठना चाहिए, क्योंकि इसमें विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। जी देखिए, इसको बड़ी गौरव और गर्व के साथ इसका विलय किया गया है। और जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया कि इसको एक नजदीक सिस्टमेटिकल मेहनत से जहां पे नाम अंकित किए गए हैं वहां पे उसको लाया गया है। और ये एक जो वॉर मेमोरियल में जिनके नाम 47, 48 अगेन, उसके बाद में 62, 65, 71 कारगिल ऑपरेशंस और जितने के भी नाम है बड़े सिस्टमेटिकल तरीके से वहां पे अंकित है। और वहां पे जब भी कोई भी शहीद के परिवार से या उसके रेजिमेंट से कोई जाते हैं, वहां रेजिमेंट में भी नाम लिखा हुआ है कि वो पंजाब रेजिमेंट से है, जाट रेजिमेंट से है, और बड़े एक सिस्टमेटिकल तरीके से वहां पे किया गया है। ओपन एरिया है वहां पे और पूरी गनीमा है वहां पे। और जितने भी आप ये देखेंगे कि जो मेजर लड़ाई है वो भी सब वहां पे म्यूजियम भी है। वहां पे जो वॉर मेमोरियल में है वो पूरा 71, 62 और नेवल एयरफोर्स ऑपरेशंस वगैरह लौंगे वाला सारा एक सिस्टमेटिकल तरीके से। तो वहां से वहां शिफ्ट में कोई विलय करने में कोई एक गौरव है, ये एक सिस्टमेटिकल जगह पे ज्यादा से वो है, वहां एक इसको सम्मान ही दिया गया है और बड़े सम्मान पूर्वक उसको लेके आए गए हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, सैनिक का सम्मान है, बिकॉज आप देखेंगे 400 मीटर वहां से उसके बिल्कुल पीछे अब एक जगह आ गया है मोर सिस्टमेटिकल मेहनत से, तो ये बहुत ही एक गर्व का और गौरव का विषय है। और आप ये देखें कि जो वहां पे इंडिया गेट था उसके अंदर 71, 47, 48, 62, 65, 71 कारगिल, उन शहीदों के वहां पे नाम नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ये वॉर मेमोरियल में सभी के नाम अंकित है। और एक बड़ा अच्छा और भी है, जितने हमारे 21 परमवीर चक्र हैं उनकी वहां पे मूर्ति भी है और वहां पे एक पूरा आपको वर्णन मिलेगा, देश के शहीदों का पूरा आपको वर्णन मिलेगा जी, जो वर्णन इंडिया गेट पे नहीं था। हाँ। तो ये गर्व और गौरव का विषय है, इसमें जो विलय होना एक सम्मान के तौर पे विलय किया है। हाँ। इसको किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ये बड़े सम्मान के का विषय है और इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपत्ति है। बालमुकुंद शर्मा जी, पैनल के अंदर सभी पैनलिस्ट के द्वारा अपनी बातें रखी गई हैं, अब भी आपको लगता है कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई चूक या कहीं पर किसी भी तरीके से अपमान हुआ है? जी ने भी बताया, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, इन्होंने अपना बेस्ट दिया इस देश को। मैं ये पूछना केवल चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि दोनों ज्योत जलती रहती है, उसके दो चीज मैं बताऊं आपको। इस देश में जब कोविड आया प्रधानमंत्री राजकोष था, तो प्रधानमंत्री राजकोष क्योंकि वो कांग्रेस के समय में स्थापित था, उसको वहीं बंद करके पीएम केयर फंड बनाया,
केवल और वो जबकि प्राइवेट है उसमें सरकारी लोगों से चंदा लिया गया, केवल कांग्रेस शासित सरकारों ने जो निर्मित की थी उनको मिटाने के लिए। और वंदना जी कह रही थी कि अमर जवान ज्योति अंग्रेजों का राज था, भाई अंग्रेजों ने तो इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया था, संसद भी बनाई थी, राष्ट्रपति भवन भी बनाया था, ये जो रेलवे चल रही वो भी बनाई थी, हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगा करके कब्जा किया, जब वो कब्जा किया तो वो हमारी होगी, अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं था उससे, अंग्रेजों आज हमारे देश के राष्ट्रपति जहां बैठते वो भी अंग्रेजों का है, ये जो प्रधानमंत्री जी जितने लोग हमारे बैठते जो नॉर्थ जोन साउथ ब्लॉक ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, लाल किला मुगलों ने बनाया था, उनको तो हमने खदेड़ दिया फिर कब्जा कर लिया, तो वो हमारी होगी, वो हमारी अमानत है। आज इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति थी उसको हमें सैल्यूट करते हैं, और फिर भी हम ये कहते हैं कि दोनों चलती, हम उसका भी समा, हाँ हमारे जो यहाँ ब्रिगेडियर बैठे इन्होंने 47, 48, 62, 65 और 71 का जिक्र किया, ये ब्रिगेडियर जी है ना जो इन्होंने देश की सेवा की है, इनमें सेवा का जज्बा है, ये उन चीजों को नहीं समझते जो भाजपा के लोग गहरी चाल चल रहे हैं। आप ये बताइए, ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या याद करें पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिन्होंने अपनी जवानी जेलों में खपाई, जितने दिन वो देश के प्रधानमंत्री रहे उससे ज्यादा दिन वो देश की जेलों में रहे हैं, क्या ये याद कर रहे हैं उन स्वतंत्र सेनानियों को, एक परिवार को ये जो टारगेट करते हैं, वो परिवार जिसकी बेटी अकेली घर पर थी, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया वो जेल में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसने अपना सब कुछ इस देश को नौछावर कर दिया, वो नहीं सर, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि अमर जवान ज्योति को लेकर के आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दो ज्योति, और इसको लेकर के यहाँ पर प्रकाश गोगले साहब ने यहाँ पर बहुत सरल तरीके से स्पष्ट किया है कि बहुत ही पास नज़दीक में ऐसे दो ज्योत प्रज्वलित नहीं हो पाती हैं और नहीं हो सकती हैं, और ऐसे में दो का औचित्य नहीं बनता है, और इसमें जब क्यों नहीं बन सकता औचित्य, क्यों नहीं हो सकती, ये प्रकाश जी ने जैसे बताया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने स्थापित किया था, यही इनका मरहम है, यही इनका दर्द है, ये नाम मिटाना चाहते हो उस परिवार का जिन्हें जंग आजादी की लड़ाई लड़ी है। नाम मिटाने वाली बात कहां पर आ रही है बाल मुकुल शर्मा जी, इसमें नाम मिटाने वाली बात जो आप कह रहे हैं बार बार, इसमें नाम कहां पर अंकित है, मैं बताता हूं, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के ध्यानचंद जी का नाम पर रखा, ध्यानचंद जी बहुत महान खिलाड़ी थे, लेकिन क्या उनके नाम पे दूसरा, उसमें कोई आपत्ति है, मेजर ध्यानचंद जी के अगर नाम पर कोई पुरस्कार रखा जाता है तो उसमें कोई आपत्ति है, और शुरू करते ये बहस का विषय बनाते हैं, ये देश की जनता में भड़काने के लिए आदेश फूट डालने के लिए, मेजर ध्यानचंद जी के योगदान को कम करके नहीं आके वो उनकी जगह और करते हैं नाम दूसरा शुरू, राजीव गांधी जी के नाम को कह जो भारत रत्न है, इस देश की तीन तीन पीढ़ियां जिन्होंने प्रधानमंत्री दी है उनका नाम मिटाना ये अच्छी बात है, आज मीडिया डिबेट है, ये मेरे जो सैनिक बैठे हैं, नहीं तो सर ये देश की संपत्ति है, ये किसी पर्टिकुलर एक शख्स की या एक परिवार की संपत्ति नहीं है, ये तो देश की संपत्ति है, मैं ठीक है जरा इस पर एक रिएक्शन में, जरा इसमें वंदना जी, लोगों ने चुना उनको, उस देश के लोगों ने चुना एक उस देश, तो चुना तो मौजूदा वक्त की सरकार को भी, अगर प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अपने नाम से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी और जगह को अपने सभी जगहों पर अपने नाम से अगर निर्माण करने लगे या अपने नाम देने लगे तो ये क्या सही होगा, आप विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो देने लग रहे हैं, ये तो उन लोगों के नाम पे देने लग रहे हैं जिनका आजादी के संग्राम में कोई योगदान ही नहीं था, ये तो उन लोगों को अपने नाम से कर रहे हैं क्या, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पहले स्टेडियम अभी 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 मोदी जी ने अपने नाम से स्टेडियम का नाम रखवा लिया, अपने नाम से कर रहे हैं, आपने विरोध किया ना, जीते जी अपना विरोध किया ना आपने स्टेडियम का, ठीक है मैं जरा जवाब लेता हूं, वंदना जी जरा जवाब दीजिए, स्टेडियम को मोदी जी ने अपना नाम रखवा लिया, वंदना जी ये जवाब दीजिए जरा इस पर, उनका ये कहना है कि जो पिछली सरकारें हैं कांग्रेस पार्टी का एक खास परिवार का सिर्फ टारगेट लेकर के आप इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से जो काम चल रहे थे उनको आप बदलने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आप कह रहे हैं कि उनकी देन थी और इसीलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक खास परिवार एक परिवार को आप टारगेट करना चाहते हैं। शुभेंदु जी मैंने अभी पहले भी प्रश्न पूछा था कि कहीं पर क्या इंदिरा गांधी जी का नाम लिखा था क्या, अमर जवान ज्योति कहीं पर नाम लिखा हो, बच्चे जाते हो आप जाते हो, एक बाल मुकुंद जी अपने बारे में बोलिएगा, बात कंप्लीट कर लो बाल मुकुंद जी, तो कहीं ना कहीं डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास तर्क के साथ जवाब नहीं है। सबसे पहले ये क्या कहती है कि एक ज्योति क्यों दो जला लेते तीन जला लेते, सबके दिलों में शहीदों के लिए ज्योति जलती है, लेकिन ये तेरी ज्योति मेरी ज्योति मत करिए, अमर जवान ज्योति शहीदों के लिए सियासत जो शुरू की है वो आपने शुरू की है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए कि इंदिरा गांधी का नाम वहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ था,
दूसरी बात आप कहते हैं शहीदों का सम्मान करते हैं, एक परिवार के सिर्फ नामों से हर चीज को बना देना शहीदों का सम्मान नहीं है। 2016 की बात है, सैनिक का अंतिम संस्कार था और वहां पे राहुल गांधी फोन पे बात करते हुए हंसते हुए दिखाई दिए। बाजवा को गले लगाने वाले आपके नेता हैं, जो हमारे बिपिन रावत जी हैं उनको गुंडा कहने वाले आपके नेता हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अंतर्मन में झांकना चाहिए। आपने यहाँ पर कहा कि सब कुछ बदल रहे हैं, आप अंग्रेजों को भी यहाँ पर कह रहे थे कि अंग्रेज जो है वो चले गए, सब कुछ हमारा है, लेकिन हम अंग्रेजों की विरासत से अपने आप को क्यों जोड़े? जब अंग्रेज गए तो विक्टोरिया की मूर्तियां थी यहाँ पर, किंग जॉर्ज पंचम की मूर्तियां थी, उनको क्यों तोड़ा आपने? आपका ही राज था, उनको तोड़ा ना, क्योंकि वो किसका प्रतीक था? किसका प्रतीक था? इंपीरियल राज का, औपनिवेशिक राज का प्रतीक था। वो प्रतीक को हटाना, उस प्रतीक को हटाना सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम हुआ है। पूरे देश की जनता इस चीज को मान रही है, यहाँ पर जितने हमारे सैनिक भाई है वो सब मान रहे हैं, जितने हमारे सेना में लोग हैं इस सबको मान रहे हैं। बिना बात पे आप इस बात को तूल दे रहे हैं। मैंने अभी आपके आने से पहले बिल्कुल सही कहा था कि राहुल गांधी और जो आपके जितने भी नेता है सभी कहीं ना कहीं आत्मघाती दस्तों की तरह काम कर रहे हैं। आप बार बार याद दिलवाना चाहते हैं कि हमने क्या क्या कमियां करी, हमने तो सीधा उठाया और विलय कर दिया। ये वो विषय नहीं है जिस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर के भी सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। खैर ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल में जो जोत प्रज्वलित की गई है, जिसको मर्ज किया गया है, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेसी खेमा आरोप लगा रहा है, सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।